करनाल के गांव बस्तरी निवासी 33 वर्षीय सोहन लाल की ट्रैक्टर ट्राली का जैक ठीक करते समय ट्राली के नीचे आने से मौत हो गई। गांव के सरपंच अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सोहन लाल गांव में ट्रैक्टर ट्राली से गेहूं का भूसा उतार रहा था तो ट्राली का जैक ऊपर से अटक गया। जिसको ठीक करने के लिए सोहन लाल गया तो अचानक वह ट्राली के नीचे आ गया। नीचे आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और तुरंत उसको अमृत धारा अस्पताल ले जाया गया, जहां हालात गंभीर होने के कारण उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया। वहीं पीजीआई जाते समय रास्ते में युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू कर दी और वहीं शव को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव बस्तली में सोहन लाल नामक किसान भूसे की ट्राली के नीचे आने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद इलाज के दौरान चंडीगढ़ पीजीआई ले जाते समय उसकी मौत हो गई, जिसके शव को फिलहाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में रखा गया है। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। उधर इस हादसे से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना के बाद एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया। फिलहाल पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। क्या सूचना मिली थी आपको? सोहन अपने खेत में अपना तूड़ा उतार रहा ट्राली में से। जैसे तूड़ा उतार कर ट्राली खाली हुई तो ट्राली का जैक अड़ गया। जैसे उसको ठीक करने लगा, हिलाने लगा तो उसके ऊपर गिरी की ट्राली। अचानक जैक खराब हो गया ट्राली का। जैसे अपना तूड़ा उतार दो उतार के बीच में उसको चोट लग गई। अकेला ही था ये काम कर रहा था? नहीं, और भी थे साथ में, एक दो साथ में जो काम कर रहे थे तो वो पास में थे। फिर और बाजू गए, चार पाँच बंदे हुए। फिर इसको फर्स्ट एड के लिए ले गए निशिंग और फिर कनाड़ा अमरीदारा हॉस्पिटल में। तो उसके बाद अमरीदारा से फिर इसको पीजीआई जाते जाते रास्ते में मिलते हो। तो क्या कार्रवाई की जा रही? पुलिस को इतला दे दी? हाँ जी, पुलिस को इतला दे दी थी। पोस्टमार्टम हो रहा है? पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या नाम था इसका? कहाँ, कौन सा गांव है? सोहन है जी, गाँव बस्तली। बस्तली। आपका पूरा नाम? अनिल कुमार, एक्स सरपंच बस्तली। अरे ट्राली वाला मामला, जो किसान की मौत हुई, क्या सूचना मिली थी? उसमें मतलब वो कुछ काम कर रहा था ट्राली में, तो वो जैक वाले ट्राली होते नहीं, वो मतलब एकदम से उसके ऊपर आ गिरी सिर पे। बस उसके बाद मतलब इसको ये हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल के बाद चंडीगढ़ रेफर गए इनको, तो बाद में इनको मृत घोषित कर दिया डॉक्टर। तो क्या कर रहा था ये? कहाँ का था किसान? ये बस्तली। क्या काम कर रहा था ये? उस टाइम रिपर चला रहा था, थोड़ी मतलब अपना काम कर रहा था खेत में। ट्राली लोडी थी? जैक की कोई का अचानक होगा? हाँ, जैक से अचानक मतलब टूट फूट हो गए। तो क्या कार्रवाई की जा रही पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से 74,000 रुपये। क्या पोस्टमार्टम होगा? पोस्टमार्टम हो गई, सौ दे दिया। क्या नाम था? इसका नाम है सोहन। कहाँ का रहने वाला? बस्तली। क्या उम्र क्या? उम्र 33 वर्ष। शादी शुदा दो बच्चे हैं। आपका क्या परिचय? मैं पीएसआई बिंदर थाना निवासी। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।